अभी सामने जो आप बिल्ली देख रहे हैं वो सामान्य बिल्ली नहीं बल्कि एक उड़न बिल्ली है। ये बिल्ली किसी समय नैनीताल में इतनी ज़्यादा पाई जाती थी कि हर कोई इस बिल्ली के बारे में जानता था, लेकिन आज ये बिल्ली नैनीताल से गायब हो चुकी है। क्या चीज़ है वैसे ये? उड़न बिल्ली। उड़न बिल्ली? हाँ, फ्लाइंग फॉक्स का ही वो माना जाता है ये। अच्छा, करो डरो मत, सीधे उठाओ ना, डर रहे हो तुम यार? नहीं नहीं डर रहा हूँ। तुम सांप से नहीं डरते, उससे डर रहे हो बताओ? हाँ ये है, ये डाल 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 आराम से कर भाई, तुझे हम बचा रहे हैं। इसके नाखून बहुत तेज होते हैं। अब इस बिल्ली को देखना तो छोड़ो, इसके बारे में शायद ही आप या नैनीताल वाले जानते होंगे। नैनीताल में किसी समय हिमालयन साइवेट काफ़ी पाए जाते थे, जो कि हमें 1980 तक कभी कभार दिख जाते थे, लेकिन आज इन हिमालयन साइवेट की तादाद इतनी कम नैनीताल में हो गई है कि अब ये विलुप्त होने की कैटेगरी में आ चुके हैं। ये हिमालयन साइवेट दो प्रकार के नैनीताल में पाए जाते थे, जहाँ एक तो आप इसे देख सकते हैं और दूसरा इसे जिसके शरीर में चक्कतेदार धारियाँ होती थी, लेकिन आज ये दोनों प्रकार के साइवेट नैनीताल से गायब हो चुके हैं। दोस्तों, नैनीताल में इतने जानवर ऐसे थे जिनको हमने ना कभी देखा था और ना ही कभी इनके बारे में सुना था, लेकिन जब लॉकडाउन का समय था तब हमने कुछ ऐसे जानवरों को नैनीताल में देखा जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लॉकडाउन के समय जब पूरा भारत बंद था, तब लोगों ने नैनीताल में सौल, जंगली बिल्ली, बारहसिंगा, घुरड़, पीले रंग का हिरन, सियार और कई जगह पर भालू भी देखे। तेंदुए और बाघ तो लॉकडाउन के समय नैनीताल और उत्तराखंड में इतने दिखे कि आप गिनती भी नहीं कर सकते हैं। भीमताल से भवाली और नैनीताल से हल्द्वानी की रोड में जो आज आप इतना ट्रैफिक देखते हैं, तो लॉकडाउन के समय यहाँ बाघ और तेंदुए दिन दहाड़े ही इन रोडों में चलते हुए मिल जाते थे। ये सामने आपको जंगली बिल्ली दिख रही होगी, जिसे आमतौर पर कैराकल नाम से जाना जाता है। लॉकडाउन के समय ये जंगली बिल्लियाँ नैनीताल में काफ़ी देखने को मिली। दिखने में तेंदुए की तरह और बिल्ली से थोड़ी सी हाइट में बड़ी ये जंगली बिल्लियाँ भी लॉकडाउन के बाद से नैनीताल से लगभग गायब हो चुकी हैं। वो गिलहरी, वो है क्या बोलते हैं उसको, अरे काटने को आ रहा है। ये सामने आपको कोमोडो ड्रैगन दिख रहा होगा, जिसे उत्तराखंड में गौन नाम से बुलाया जाता है, जो कि आज नैनीताल में आपको ये देखने को नहीं मिलता होगा, क्योंकि आज ये गौल कहे जाने वाला जानवर आज नैनीताल भवाली से विलुप्त हो चुका है। किसी ज़माने में ये गौल भवाली, खैरना और गर्मपानी साइड भी दिखाई देते थे, लेकिन आज ये यहाँ से भी विलुप्त हो चुके हैं। और दोस्तों, नैनीताल में किसी ज़माने में बड़ी बड़ी तितलियाँ और बड़े बड़े लंबाई के कीट पतंगे भी पाए जाते थे, जिन्हें आप नैनीताल के एक म्यूजियम हिमालयन बॉटेनिकल गार्डन में देख सकते हैं। नैनीताल की इस बॉटेनिकल गार्डन में आप जरूर जाइए, ताकि आपको पता चलेगा कि नैनीताल में कितनी वाइल्ड स्पीसीज ऐसी भी थी जो किसी ज़माने में यहाँ पाई जाती थी। जिस हिमालयन साइवेट की बात मैं वीडियो के स्टार्टिंग में कर रहा था, उसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, लॉकडाउन के समय में जहाँ हमने इतने जानवरों को देखा था, वे आज फिर से नैनीताल से गायब हो चुके हैं, और इन जानवरों के साथ साथ न जाने कितने और जानवर बर्ड्स भी गायब हो चुके हैं। क्या इन जानवरों के विलुप्त होने का जिम्मेदार हम लोगों की लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या है? यदि हाँ, तो क्या हम ऐसे ही निरंतर बढ़कर सारी वन संपदा को ख़त्म कर देंगे? इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि अभी भी बची कुची वन संपदा को हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ दें।